मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है शब्द बनाओ। इसका मतलब है कि आपको कुछ व्यंजन दिए जाएंगे, उस व्यंजन से स्टार्ट करते हुए, आरंभ करते हुए आपने कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपको व्यंजन दिया हुआ है क, तो क से शब्द बनाने हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे बना सकते हैं, क और ल ये दोनों मिलके बन गए कल। तो जो व्यंजन दिया जाएगा उस व्यंजन से स्टार्ट करते हुए शब्द होना चाहिए। जैसे कि क से कल, क से कप, क से कलम और क से कर्तव। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यंजन हमें दिया हुआ है ख, तो ख से शुरू करते हुए शब्द बनना चाहिए। ख से खत, ख से खग, ख से खपत। इसका मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो ख से शुरू होता है वो आपने यहाँ लिखना होगा। ख से खटमल। अब आपको अगला व्यंजन दिया गया है ग, ग से गप, गरम, गगन, गर्दन। अगर आपको व्यंजन दिया जाएगा घ, तो आप कौन से शब्द लिखेंगे? वो शब्द जो घ से शुरू होंगे। घ से घन, घ से घर, घ से घटक। अगला व्यंजन आपको दिया गया है ज, तो ज से आपने अपनी अपनी पुस्तक में जो जो शब्द पढ़े हैं उसको अपने दिमाग में लाने की ट्राई करें। ज से कौन से शब्द होते हैं? जग, जगत, जनक, जगमग और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं और आप अखबार में भी पढ़ सकते हैं। आप ज से शुरू होने वाला कोई भी शब्द लिख सकते हैं। न, न से लिखेंगे हम नर, नमक, नट, खट। म, म से मन, मग, मटर, मखमल। तो शब्द बनाओ का मतलब होगा कि जो व्यंजन दिया हुआ है उस व्यंजन से शुरू करते हुए कोई भी आपने सार्थक शब्द को लिखना है। वो आप दो अक्षर का भी लिख सकते हैं, तीन का भी लिख सकते हैं, चार का भी लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको शब्द बनाओ आ गया। अब अगली वीडियो में हम करेंगे वाक्य बनाओ। टिल देन हैव अ गुड डे।